स्वागत है आपका इंडिया के लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट इज़ अन अकेडमी इस पर और मैथ स्टडिंग बेसिक्स यूपीएससी 101 के इस चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है गाइस। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक? सबको बहुत बहुत गुड इवनिंग। सबको बिल्कुल राइट फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। राइट, कभी कभी कमेंट्स देखना मैं अगर भूल जाऊँ तो आप उसे बुरा मत मानिएगा, मैंने कहा हुआ है पहले भी। सो गाइस, सी आज का सेशन बहुत बड़ा नहीं होने वाला है, लेकिन हाँ ये मैं कुछ कमेंट्स देख रहा था तो मैंने देखा कल की वन स्टूडेंट वॉज टेलिंग कि सर आप लोग कोर्स में बहुत कम कम कंटेंट दे रहे हैं। पहले मैं बता दूं कि जिनको पता है ये ठीक है कि ये क्या हो रहा है वो तो ऐसी बात कह ही नहीं सकते, बिकॉज इस सेगमेंट का नाम ही मास्टरिंग बेसिक्स है। राइट, इस सेगमेंट का नाम ही मास्टरिंग बेसिक्स है। अब यूपीएससी का जो फुल फ्लेज्ड कोर्स लॉन्च होगा उससे पहले मैं बार बार रिपीट कर चुका हूँ अपने लेक्चर्स में, इन लेक्चर्स में, कि भाई उससे पहले हम कुछ ऐसी दुनिया आपके सामने लाने वाले हैं ठीक है, जो आपको यूपीएससी का एक की एक नज़र, एक फर्स्ट ग्लिम्स आपको दिखाए कि भाई ये चीज़ें आपके सामने आने वाली हैं। और अब अगर अभी तक आप इससे दूर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको ये चीज़ें आपको अंदर अपनी लानी पड़ेगी। सबको बहुत बहुत गुड इवनिंग, वेरी वार्म गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्टे सेफ, ठंड से बच के रहिए। यही जैसे मास्टरिंग बेसिक्स की जो लेक्चर वन की मैं बात करूँ उसमें मैंने आपको ज्योग्राफिकल टाइम स्केल के बारे में बताया कि भाई ये प्लेस्टोसीन एज, होलोसीन एज क्या होता है जो बार बार आपके सामने आता रहता है। फिर मैंने जो दूसरा लेक्चर था उसमें मानव की क्रमागत क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट की बात की कि मानव किस किस रूप में कैसे कैसे आया है। जो अगर लास्ट वीडियो आपने देखा हो, जिन्होंने नहीं देखा हो ज़रूर देखिए। मैं बार बार कह रहा हूँ कि यूपीएससी का कोर्स फुल फ्लेज्ड लॉन्च होने से पहले इन सारी चीज़ों की जानकारी आपको हो जाए तो आप खुद भी महसूस करेंगे दैट यू आर एट एज। आप बेहतर महसूस करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा गाइस। राइट, क्योंकि ये चीज़ें हैं जिससे यूपीएससी के तैयारी की प्रक्रिया में आपको आज नहीं तो कल आपको आपके सामने ये चीज़ें आएंगी। और बीच में आती है किसी सब्जेक्ट के, हिस्ट्री के, ज्योग्राफी में, तो बहुत ज़्यादा प्रॉपरली हैंडल हो नहीं पाता है। सो मास्टरिंग बेसिक्स में हम उन्हीं चीज़ों को आपके सामने लेके आ रहे हैं। बाद में जब यूपीएससी का फुल फ्लेज्ड कोर्स अभी तुरंत लॉन्च होने वाला है, हमारा टारगेट पीटी है, उससे पहले आपको बेहतरीन तरीके से पीटी की तैयारी करके हम देंगे, दैट इज़ आवर कमिटमेंट। राइट, तो उसमें हम बिल्कुल सब्जेक्ट को, आपको जितना मटेरियल चाहिए उसका आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते हैं कि आपको कितना कंटेंट मिलेगा। लेकिन यहाँ कंटेंट मत ढूंढिए, यहाँ पे रैंडम टॉपिक्स आपको बताए जा रहे हैं, वो टॉपिक्स जो बीच बीच में पढ़ाई की तकलीफ देने लगते हैं ठीक है। सो प्लीज़ गाइज, नोट ज़रूर बनाया कीजिए और ध्यान रखा कीजिए इन बातों का। सो आज जो मैं लेके आपके सामने आया हूँ, बहुत बड़ा टॉपिक सेगमेंट नहीं है, लेकिन फिर से उतना ज़रूरी उतना ही है। जैसा कि आप देख रहे हैं, स्टोन एज, स्टोन एज। अब स्टोन एज पढ़ाने नहीं आया मैं आपको, पढ़ाने नहीं आया हूँ, डोंट एक्सपेक्ट लाइक दिस। लेकिन स्टोन एज से जुड़ी हुई, जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अंडरस्टैंडिंग क्रोनोलॉजी, काल क्रम को समझना है आपको। जब भी स्टोन एज आप हिस्ट्री में पढ़ते हैं तो कितना लाख वर्ष पहले, कितना करोड़ वर्ष पहले कौन क्या आ रहा है, कौन कब नहीं आ रहा है, एकदम बेचैन होकर रह जाता है मन अगर हम इस क्रोनोलॉजी को समझने की कोशिश करें। सो स्टोन एज के अंदर मैं वो क्रोनोलॉजी आपको समझा देता हूँ कि भाई स्टोन एज कहाँ से कैसे शुरू हुआ है, कब कब, क्या मध्यकालीन, क्या ताम्र कालीन, जैसे चालकोलिथिक पीरियड, कब कौन आया है नहीं आया है, उसका एक क्रोनोलॉजी सिक्वेंस अच्छे से इसका नोट्स बना लीजिएगा। जिस हमने लेक्चर वन नहीं देखा है वो ज़रूर जाके देखिएगा, ताकि प्लेस्टोसिन, होलोसिन, प्लायोसिन ये सब समझ में आए कि भाई एरा, पीरियड, एपॉक क्या होता है। जिन्होंने लेक्चर टू नहीं, प्लीज़ इन लेक्चर्स को, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ठीक है, इसमें मेरा क्या जाएगा, वाई आई एम रिक्वेस्टिंग यू सो मच, बिकॉज मुझे पता है कि आने वाले टाइम में ये चीज़ें आपके सामने आएंगी और आप तकलीफ में जाएंगे। सो इनके नोट्स गाइज बना लीजिएगा प्लीज़। सबको बहुत बहुत गुड इवनिंग, एक बार शुरू करने दीजिए मुझे अभी चीज़ें ठीक है। सो क्रोनोलॉजी आपको समझ में तो आ ही गया होगा कि मैं क्या कराने वाला हूँ आज। राइट, सो मैप्स, अभी आप यूपीएससी 101 पे हैं, ये चैनल आज से पहले मैप्स 101 था, इसकी जानकारी अब लगभग सबको हो गई होगी। अच्छी लगती है ये चीज़ें तो इसे शेयर कीजिए, ग्रो कीजिए अपने सर्कल में, बिकॉज हमारा इनाम वो होता है ठीक है, दैट इज़ आवर रिवार्ड। जो एफर्ट्स हम डालते हैं उसमें बहुत मेहनत लगती है गाइस ठीक है, जब आप ये काम करेंगे तो आपको भी समझ में आएगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो डेफिनेटली इसे ग्रो करने में हमारी हेल्प कीजिए, ताकि
ताकि हम और बढ़ चढ़ के आपके सामने आ सके। और ये चारों चैनल्स पे मेरे आपके लेक्चर्स आपको मिलते हैं, इन चारों चैनल्स। ये मैप्स 101, तो यूपीएससी 101 हो चुका है। दिस इज़ करंट अफेयर्स 101, दिस इज़ एनसीईआरटी 101। आई एम अभिषेक, नाम मेरा पता है, टीचिंग एक्सपीरियंस मैंने लिख दिया है, बिल्कुल कंटेम्प्रेरी मैं चीज़ों को रखता हूँ, ठीक है, क्योंकि जिस समय आप पढ़ रहे हैं उसी के आसपास की पढ़ाई मेरी भी रही है, पीछे है डेफिनेटली, लेकिन जनरेशन तो वही है ना, बाइलिंगुअल रहता है। अब जैसे कल की लेक्चर में कोई कह रहा था जिसमें होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, डिफरेंट टाइप ऑफ होमो सेपियंस की बातें कर रहे थे, तो उसमें हिंदी, वो हिंदी होता ही नहीं, उसको होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस आपको लिखना ही पड़ेगा, वो मैं लिख भी दे रहा था वहाँ पे। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा और कभी कभी कोई गलती हो जाए तो क्षमा कीजिएगा, राइट गाइस। सो चलिए हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं, उसी क्रोनोलॉजी को हमारा, हमें समझना है। और ये मेरा एडुकेटर कोड है DRABH, अभिषेक से ABH, और पता नहीं DR क्यों ऐड कर दिया गया, डॉक्टर तो मैं हूँ नहीं। सो एनीवेज, दिस इज़ माय एजुकेटर्स कोड, इसे आप यूज़ करेंगे तो 10% डिस्काउंट आपको प्लस कोर्सेज और आइकॉनिक कोर्सेज पे, आइकॉनिक पे मिल जाता है, राइट। सो इसे यूज़ कीजिए अगर मैं आपको अच्छा लगता हूँ तो। सो सी, मैं शुरू करने से पहले एक हल्का सा ग्लिम्स आपको देता हूँ कि भाई जैसे स्टोन एज है, पाषाण काल है, दिस इज योर पाषाण काल, स्टोन एज को पाषाण काल कहते हैं। इसके बाद स्टोन एज को भी अलग अलग भागों में बांटा गया है, लाइक व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यू, कि स्टोन एज को ही जैसे आप पैलियोलिथिक एज पहले कहते हैं, पूरा पाषाण काल पैलियोलिथिक एज। अब इसको भी तीन भागों में बांट दिया जाता है, ठीक है, स्लाइड आगे देखेंगे, आप नोट्स बना लीजिएगा, लिसन मी वंस, राइट, कि भाई इसमें भी लोअर आ जाता है, दैट इज निम्न पूरा पाषाण काल, फिर मिडिल आ जाता है, दैट इज मध्य पूरा पाषाण काल, एंड फिर अपर आ जाता है, ठीक है। और ये जब तीनों बीतता है, आगे जाता है, तो देन यू हैव द पैलियोलिथिक के बाद यू हैव द मीजोलिथिक, मध्य पाषाण काल आता है, देन यू हैव नियोलिथिक, नौ पाषाण काल, जब पहियों का उपयोग शुरू हुआ था, ठीक है, आग तो यहीं पे हो गया था, पहियों का, एग्रीकल्चर, ये सारी चीज़ें इंसान ने सीखी थी, नौ पाषाण काल। अब नौ पाषाण काल क्या होता है, वॉच दिस, अब नौ पाषाण काल जिसे नियोलिथिक, नियो मतलब ही नया होता है, ठीक है, इसके बाद एक तरफ शुरू होता है यू हैव चालकोलिथिक, दैट इज ताम्र पाषाण काल, और इसी के पैरेलल एक दूसरी सभ्यता का विकास होता है, दैट इज IVC, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये बिल्कुल इसके पैरेलल है, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता को ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता भी कहते हैं, लेकिन ये दोनों दो तरह की सभ्यताएं थी, इसलिए अलग अलग कहा जाता है, बट इनका कालांतर जो टाइम है वो सेम है, पैरेलल है, अभी मैं दिखाऊंगा आपको आगे। ये जब ख़त्म होता है तो फिर वैदिक सभ्यता का विकास होता है, वैदिक सभ्यता का जब विकास होता है तो इसके बाद एक तरफ नए धर्मों का विकास शुरू हो जाता है, जिसमें जैनिज्म, महानिज्म आ जाते हैं, और एक तरफ साम्राज्यों का विकास शुरू हो जाता है। यही कहानी है जो थोड़ा टाइम फ्रेम के साथ, सिर्फ दिमाग में रखना है, समय को बताते हुए मैं जरा आपको इस छोटे से वीडियो में आपके सामने रखने वाला हूँ। अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा इसका, खास करके ये तीनों लेक्चर्स जो L1, L2 और ये L3, मतलब इस मास्टरिंग द बेसिक्स में जो भी बताया जा रहा है उसका एक सेपरेट नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा, बार बार मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तो इसकी अहमियत को समझिएगा। आगे चल के बहुत आसान और बहुत खुशनुमा सब कुछ लगेगा आपको, जैसे ही हम UPSC वाला कोर्स स्टार्ट करेंगे, राइट गाइस। सो जैसे देखिए, थोड़ा समय दिखा दूँ फिर से, एक बात आपको याद दिला दूँ, स्टोन एज हैज बिगन, पाषाण काल, स्टोन एज इज पाषाण काल, डोंट फॉरगेट दिस, दिस इज योर पाषाण काल, पत्थरों का उपयोग जब मानव ने किया था, ठीक है। सो देखिए, फिर तीन शब्द आ गए, सीनोजोइक एरा, टर्शियरी पीरियड, एरा को हमने महाकल्प कहा था, ये लेक्चर वन है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पाषाण काल जैसे क्वेश्चन में ही आ जाएगा कि पाषाण काल किस कल्प में शुरू हुआ था, क्या आंसर देंगे आप, ठीक है। सो इट इज सीनोजोइक एरा, एरा इज महाकल्प, टर्शियरी मतलब तृतीयक काल पीरियड, और फिर इपॉक आता है प्लायोसिन इपॉक, मतलब इसे कल्प कहते हैं, सो प्लायोसिन कल्प में शुरू हुआ था, कहीं कहीं आपको ठीक है, हाँ प्लायोसिन कल्प में शुरू हुआ था, ये फर्स्ट लेक्चर में बताए गए बातें हैं, ये क्या टर्शियरी है, ये क्या प्लायोसिन है, ये क्या सीनोजोइक है, पहला लेक्चर देखिएगा गाइस, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे दिखा भी दिया है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, हिस्ट्री से लेके जोग्राफी तक। और सुमित सर की क्लास में अगर आपको, आप उनके ऐसे शब्द बोलते हैं तो ही विल फील वेरी गुड, यू गाइस आर स्टडिंग वेरी नाइस, थोड़ा सा टाइम भी मैंने आपको दिखा दिया है,
कि जो प्लायोसीन कल्प है ये आज से लगभग 5 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है, लगभग 50 लाख साल पहले की बात है। इस इपॉक को आप प्लायोसीन इपॉक कहते हैं। और अभी हम किस इपॉक में जी रहे हैं वो मैंने आपको दिखाया है, दैट वी आर इन होलोशियन इपॉक। अभी वर्तमान में कौन सा काल है, तो क्वार्टरनरी पीरियड है, चतुर्थ काल। और कौन सा ये इसे महाकल्प कहते हैं, एरा कौन सा है, तो इट इज़ सीनोजोइक एरा और नियोजोइक एरा। ठीक है, सीनोजोइक और नियोजोइक दोनों बातें होती है। क्या होता है कि कहीं कहीं कुछ हिस्टोरियंस या ज्योग्राफर्स ये जो टर्शियरी पीरियड है और ये जो क्वार्टरनरी पीरियड है दोनों को सीनोजोइक में ले लेते हैं, मतलब क्वार्टरनरी और टर्शियरी दोनों को सीनोजोइक में ले लेते हैं, तो उनके लिए फिर नियोजोइक कुछ होता नहीं है। लेकिन कहीं कहीं क्या किया जाता है कि सीनोजोइक एरा में टर्शियरी पीरियड को रखा जाता है, सीनोजोइक एरा में, ठीक है, टर्शियरी पीरियड को रखा जाता है, एंड नियोजोइक एरा में क्वार्टरनरी पीरियड को रख दिया जाता है। तो नियोजोइक अगर कहीं नहीं रहे तो सीनोजोइक पे ही वर्तमान में, अगर हम किस कल्प में हैं, तो अगर महाकल्प में है तो सीनोजोइक ही कहीं लिखा रहे तो कंफ्यूज नहीं होना है, कहीं नियोजोइक भी लिखा रह सकता है। क्यों यह हो सकता है मैंने बताया आपको। तो इन्हीं सब चीज़ों के लिए लेक्चर वन मैंने कहा था कि भाई जो जो लेक्चर वन नहीं कर पाए हैं गाइस, ठीक है, ज़रूर कीजिएगा, ये सारी बातें वहीं पे दिखेंगी आपको। चलिए अपनी कहानी शुरू करते हैं। सब रफली मैंने बता दिया है आपको कि भाई स्टोन इज पैलियोलिथिक एज से शुरू होता है, दैट इज़ पुरापाषाण काल। इसको तीन भागों में हमने बांटा था, दैट इज़ निम्न, मध्य और ऊपरी, लोअर मिडिल एंड अपर। नोट्स बना लीजिएगा, इसलिए मैं टाइम फ्रेम दिखा रहा हूँ। गिन के देखिए, दैट इज़ 5 लाख BC इज बिफोर क्राइस्ट, दैट इज ईसा पूर्व से 50,000 BC, यही टाइम मुझे दिखाना था बेसिकली आज के लेक्चर में आपको, राइट गाइस। फिर मध्य पाषाण काल की अगर आप बात करें तो 50,000 BC से 40,000 BC, अलग अलग किताबों में अलग अलग तरह की चीज़ें दी जाती हैं, ठीक है। सो एक बार ये जो मैं बता रहा हूँ उसको आप फाइनल मान के चलिए, इसमें कहीं से कोई कॉम्प्रोमाइज मत कीजिएगा अगर कुछ इधर उधर आपको दिखा हुआ मिल जाए तो। दिस इज़ लाइक द कंटेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, NCERT की किताबों का ये कंटेंट है, एंड इज़ लाइक ऑल्सो बीन गिवेन ऑन द मिनिस्ट्री एंड आर्ट एंड मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट्स एंड कल्चर्स, तो उनकी जो वेबसाइट है उस पर भी यही सब मेंशन है। तो इसको आप एकदम फाइनल, इसीलिए मैं ये सब चीज़ें आपको दिखाना चाह रहा था। एंड अपर को आप लेते हैं 40,000 BC से लेकर 10,000 BC तक, पढ़ाई हम नहीं कर रहे हैं, मुझे बस आपको ये टाइम फ्रेम दिखाना था ताकि एक जगह प्रॉपरली इसके नोट्स बना सकें। अब देखिए, जैसे निम्न पुरापाषाण काल है, जैसे लोअर पैलियोलिथिक एज है, थोड़ी थोड़ी अगर मैं बातें आपको बताऊं तो इसी को हैंड एक्स कल्चर या चॉपर चॉपिंग कल्चर भी कहते थे। एक हिस्टोरियन थे, उनका नाम था रॉबर्ट ब्रूस फूट, ठीक है। सो रॉबर्ट ब्रूस फूट साहब, इन्होंने मद्रास के समय, मद्रास में मतलब एक पल्लवरम जगह है वहीं पे 1863 में, ठीक है, सबसे पहले हैंड एक्स इन्हें मिला था, हाथ की कुल्हाड़ी जो होती थी, ठीक है। सो ये सब बातें जब हिस्ट्री के कोर्स शुरू होगा मैं बताऊंगा बहुत सारी। अभी मेरा मकसद आपके सामने ये बस क्रोनोलॉजी रखना है गाइस, ये टाइम दिखाना है आपको कि जब ये वर्ड आपके सामने आए तो किस समय में आपको जाना है, ऐसा ना लगे कि भाई ओहो अभी तो 1857 की बात है, ठीक है। और ये इस बिल्कुल मत सोचिएगा कि हाँ भाई ये कम बताया जा, कम नहीं, पढ़ा थोड़ी ना रहे हम, दिस इज मास्टरिंग बेसिक्स। ये सेगमेंट पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ कि इसमें हमें क्या कराना है। सो अभी ये टाइम फ्रेम आपको दिमाग में रखना है कि जब भी हिस्ट्री की क्लास शुरू होगी UPSC वाले सेगमेंट में, आपको कभी से तकलीफ ना हो कि ये कहाँ पता नहीं कब की कहानी है, ऐसी दुख आपको ना हो, राइट गाइस। सो इसका नोट ज़रूर बना लीजिए, मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। कुछ साइट्स भी मैंने आपको दिखा दिए हैं जैसे इंपॉर्टेंट, जब हम क्लास करेंगे तो ये बहुत अच्छे से बताऊंगा मैं कहाँ से क्या मिला था। जैसे रॉबर्ट फूट का नाम मैंने अभी बताया आपको, पहली कुल्हाड़ी हैंड एक्स इन्हें मिली थी। बुर्ज होम जम्मू कश्मीर का एक एरिया है, मेहरगढ़ पाकिस्तान वाला क्षेत्र, ये भीम बेट का, वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट राइट, ये सब चीज़ें आपको नहीं लिखना है, जस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। यूपी में ये महागढ़ और कोलडिहुआ बहुत, बिहार में चिरांद वाला जगह बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पैलियोलिथिक साइट्स हैं, पुरापाषाण काल से संबंधित ये, यहीं से प्रमाण मिले हैं हमें, पुरातात्विक आर्कियोलॉजिकल प्रमाण, डाउजाली ये त्रिपुरा वाले क्षेत्र का जगह, दिस इज त्रिपुरा, दिस इज मिजोरम, दिस इज मेघालय, आपको पता हो। सो डाउजाली हार्डिंग ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेस था, ठीक है, होशंगी कर्नाटका वाला, फिर
हल्लूर कर्नाटका, इस पे बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं आपको दिखा रहा हूँ एक बार। मेरा मकसद है आपको एक टाइमलाइन दिखा देना, और वो टाइम ताकि ना ये जब चीज़ें जब भी आपके सब्जेक्ट में आए तो आपको समझ में आ जाए कि ये कब की कहानी है, ठीक है। और ध्यान रहे यहीं पे शब्द, वो जो पुरापाषाण काल में जो चीज़ चॉपर या चॉपिंग कल्चर या फिर हैंड एक्स संस्कृति, कुल्हाड़ी का, पत्थरों की कुल्हाड़ी का, बेसिकली क्वार्टजाइट चट्टाने यूज करते थे वो, बाद में चल के कुछ फ्लिंट टाइप की और चट्टाने आने लगी। तो उस समय जो इंसान थे वो होमो इरेक्टस थे। मैंने कल की क्लास में कहा था कि पहला इंसान कपि का वह रूप, बंदर का वह रूप जो सीधा हुआ था, दैट वाज होमो इरेक्टस, अगर याद हो तो। और यही पे मैं आपको याद दिला देता हूँ रामापिथिकस, तो ये बता सकता है तो बताए क्या इंपॉर्टेंस था इसका, और होमो हैबिलस, ठीक है। सो डू सी वॉच दैट लास्ट डेज लेक्चर, राइट। मध्य, फिर उसके बाद पुरापाषाण काल में, फिर इसमें देखिए, इसमें जो लोअर मिडिल एंड अपर आ गया था, पुरापाषाण में लोअर मिडिल एंड अपर आ गया था, राइट। उसके बाद फिर मध्य पाषाण काल, शुरू में मैंने आपको बता दिया था टाइम दिखाना है मुझे आपको। एक जगह नोट्स बना लीजिएगा प्लीज़, बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तो इसकी इस इंपॉर्टेंस को समझिएगा। इज लाइक 10,000 BC to 8,000 BC, राइट। और इसके कुछ इंपॉर्टेंट साइट जैसे मध्य, ये एक इंपॉर्टेंट एरिया बागौर राजस्थान वाला, ये मध्य पाषाण काल कहते हैं इसे, मतलब मीजोलिथिक, मीजो का मतलब ही होता है आपका मिडिल, राइट। सो कुछ अलग अलग चट्टाने फिर इंसान यूज करने लगा था, जैसे जैस्पर, अगर आपको एक नाम याद हो बचपन का, नहीं याद कोई बात नहीं, जैस्पर, फिर चर्ट करके था चट्टाने थी ये, फ्लिंट। पूरा पाषाण काल में सिर्फ क्वार्टजाइट वगैरह यूज होता था, ठीक है। सो ऐसी बहुत सारी बातें मैं बताऊंगा आप लोगों को जब यूपीएससी का फुल फ्लेज्ड कोर्स शुरू होगा। ये इतिहास वाला टेंशन, हिस्ट्री सब्जेक्ट की टेंशन ही आप छोड़ दीजिए, अभी जो मास्टरिंग बेसिक्स में कराया जा रहा है उस चीज़ के महत्व को समझिए गाइस, राइट। फिर मध्य पाषाण काल में ये सारी बातें होने लगती हैं, ठीक है। सो और फिर जो हथियारों का आकार है वो छोटा होने लगता है, तो अगर एक बड़ा मेजर सब बचपन में पढ़ते थे हम माइक्रोलिथ, याद हो चट्टानों का आकार, लिथ मतलब चट्टान, माइक्रो मतलब छोटा, तो चट्टान बेसिकली हथियार चट्टानों से वो बनाते थे, तो चट्टानों का आकार क्या होता चला गया, छोटा चला गया, वो छोटा होता चला गया, तो इसे माइक्रोलिथ युग भी कहा जाता है। मीजोलिथिक पीरियड को, युग को माइक्रोलिथ युग भी कहा जाता है, जस्ट बिकॉज कि हथियार वो छोटे होते चले गए। एनीवेज ये हमारा मुद्दा अभी नहीं है। देन यू हैव द नौपाषाण, टाइम देखना है आपको, टाइम से नोट्स बना लेने हैं कि ये टाइम वाली तकलीफ आज के बाद खत्म हो जाए। सो दिस इज 8,000, और ये अप्रूव्ड टाइम लाइन है, ध्यान रहे जितनी किताबें आप पढ़ेंगे उतनी जगहों पे आंकड़े अलग अलग होते हैं। नौपाषाण काल युग, इंसान ने कृषि का उपयोग करना शुरू कर दिया था। देन यू हैव फिर क्या कहते हैं, हाँ, सो इंसानों ने मतलब एग्रीकल्चर का यूज़ करना शुरू कर दिया था, पहिए का आविष्कार हो गया था, ये सब नहीं हो, छोटी छोटी कुछ बातें हैं बच्चों वाले जो बता रहा हूँ मैं आपको, डोंट टेक इट लाइक राइट कि ये कोर्स शुरू हो गया आपका। सो टाइम, मुझे क्रोनोलॉजी आपको समझाना है। सो इसकी इंपॉर्टेंट साइट्स में कुछ लाइक नाम देख सकते हैं, बुरजाहोम, मेहरगढ़, कोलडिहवा, फिर कावेरी नदी के आसपास ये जो पय्यमपल्ली है, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज हल्लूर, राइट, चिरांद बिहार का क्षेत्र, ठीक है। सो दिस आर द इम्पॉर्टेंट नौपाषाण काल के इम्पॉर्टेंट क्षेत्र इसे कहे जाते हैं, ठीक है। वैसे इसमें एक नाम बड़ा इम्पॉर्टेंट हिस्टोरियंस का लिया जाता है, प्राइम रोज साहब, ठीक है। इस समय के जो एविडेंस हैं उसको ढूंढने में इन्होंने बंगलोर के आसपास से, एक जगह था लिंगसूर, इसमें तो नहीं दिया हुआ है, लिंगसूर, लिंगसूर करके था, वहाँ से इन्होंने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट नियोलिथिक एविडेंसेस ढूंढे थे इन कर्नाटका। सो ऐसी बहुत सारी गाइस बातें मैं बताऊंगा, अभी बस आप समय का ध्यान रखिए, टाइम लाइन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जैसे ये कोलडिहवा आपको दिख रहा है ये, ठीक है, ये कौन सा स्टेट हो सकता है, मध्य प्रदेश वाला एरिया, ये आपका राजस्थान है, ये गुजरात है, ये महाराष्ट्र है, यहाँ से धान के खेती के प्रमाण मिले थे हमें, भूसा टाइप का कुछ मिला था, सो दैट्स व्हाई दिस कोलडिहवा इज इम्पॉर्टेंट, राइट। सो फिर नियोलिथिक के बाद देखिए, शुरू में मैंने बताया था कि नियोलिथिक के बाद एक तरफ ताम्रपाषाण काल शुरू हो जाएगा, जिसमें कॉपर का उपयोग, तांबा पहला धातु है जो इंसान उपयोग करेगा। टाइम फ्रेम याद रखिए 4000 BC से लेकर 15,000 BC, और इसी में सिंधु घाटी सभ्यता भी शुरू होगी, बिकॉज सिंधु घाटी सभ्यता का ये टाइम है। अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता में इस पर तो क्लास भी एक हुई है,
सो 2500 BC से 1500 BC का भी एक टाइम लिखा जाता है, ठीक है, लेकिन दोनों एक्सेप्टेड हैं, बट रेडियो कार्बन डेटिंग के आधार पे ये वाला टाइम यूज़ किया जाता है, जैसे इसलिए इसे ज़्यादा वैज्ञानिक माना जाता है, साइंटिफिक माना जाता है। सो देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन बेसिकली इस पीरियड में आ रही है, इसीलिए इसे ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता भी कहा जाता है। ये दोनों अलग अलग सभ्यताएं थी लेकिन चल समानांतर रही थी। अच्छा, इन सिंधु घाटी सभ्यता को प्रोटो हिस्टोरिक भी मैंने बोला था। एक क्वेश्चन वाला जो सीरीज मैंने शुरू किया है कि जो भी एक मेजर सेगमेंट खत्म होता है उस पर एक क्वेश्चन के थ्रू सारी बातें मैं आपको याद दिलाऊंगा, वो गाइस कैसा लगा जरूर बताइएगा और उसे जरूर अटेंड कीजिएगा। मतलब कुल मिला के सारे कंटेंट आपको बहुत इनरिच करेंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, राइट गाइस। अच्छा, ध्यान रहे, सो ना तो सिंधु घाटी सभ्यता ना ही ताम्रपाषाण कालीन, दोनों अलग अलग सभ्यताएं थी लेकिन एक ही समय में चल रही थी। अब तांबा का उपयोग ही जानते थे, तांबा का जानते थे, फिर टिन का जानते थे, तो फिर कांस दैट इज ब्रॉन्ज का जानते थे, इसलिए इसे ब्रॉन्ज एज, इंडस वैली सिविलाइजेशन को ब्रॉन्ज एज कल्चर भी कहा जाता है। लेकिन बताना ये ज़रूरी है कि आयरन का उपयोग ये नहीं जानते थे। आयरन का उपयोग देखिए बाद में शुरू हुआ है, 1500 से 200 BC, मतलब ये टाइम फ्रेम अगर आपको कहा जाए तो ये वैदिक पीरियड का टाइम है, 1500 से 600 BC, दिस इज वेद। तो यहाँ से लौह युग प्रारंभ होता है, मतलब ये सभ्यताएं लोहे का उपयोग नहीं जानती थी गाइस, राइट। और देखिए फिर आयरन एज यहाँ पे शुरू, और आयरन एज वैदिक सिविलाइजेशन में जो बताया ना, तो ये आयरन एज से क्लैश कर रहा है, मतलब वैदिक सभ्यता को लौह युग भी कहा जा सकता है, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता को लौह युग नहीं कहा जा सकता है, चालकोलिथिक एज को आयरन एज नहीं कहा जा सकता है, बिकॉज दे डिड नॉट नो हाउ टू यूज द आयरन, राइट। टाइम, कीप द टाइम इन माइंड, ये क्रोनोलॉजी मुझे आपको समझाना है, प्रॉपरली नोट्स बना लीजिएगा, राइट। कुछ चालकोलिथिक साइट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अब तो इंसान काफ़ी डेवलप होता चला गया है, तो कुछ जैसे चीरांद वगैरह, नरहम है, दाइमाबाद है, नवदतोली है, कायत है पाकिस्तान में, मेहरगढ़, ये बड़ा क्वेश्चन में आता है, ठीक है। सो इसे बस एक बार देख लीजिए, अब है प्रेजेंटेशन में तो देख लीजिए, बाकी ये बहुत सिस्टमेटिक तरीके से मैं आपको बताऊंगा। नई वाली NCERT में ऐसी कुछ बातें हैं ही नहीं। NCERT 101 पे जो क्लास ले रहा हूँ मैं, उसमें जो हमने क्लास 12th वाली NCERT शुरू की है एनसीएंट की, उसमें ऐसी बातें बहुत डिटेलिंग में नहीं है, और इसलिए मैं बार बार वहाँ कहता हूँ कि हम NCERT दोनों करेंगे, अभी नया वाला कर रहे हैं, फिर हम रामशरण शर्मा करेंगे। पढ़ाई का मतलब कि एक बार हो जाए तो आपको दोबारा नहीं करना है, और यही अप्रोच हम रख के आगे बढ़ रहे हैं, राइट गाइस। सो दैट्स ऑल, ये क्रोनोलॉजी आप याद रखिएगा कि भाई वैदिक सभ्यताएं चली आती हैं, टाइम फ्रेम, वैदिक सभ्यता आती है, वैदिक सभ्यता के बाद एक तरफ साम्राज्यों का विकास होने लगता है, दूसरी तरफ नए धर्मों का विकास होने लगता है। अब इसके बाद ये जो भारतीय साम्राज्य हैं ये खत्म होंगे, तो आपका मध्यकालीन भारत आएगा, और ये खत्म होगा तो आधुनिक भारत, अंग्रेजों का भारत आएगा, और उसके बाद हम आजाद होंगे, और उसके बाद आज 2021 है। यही कहानियां, यही क्रोनोलॉजी मैं आपको आज की वीडियो में बताना चाहता था गाइस। सो आई होप ये टाइम वाली तकलीफ आज के बाद आपको नहीं होगी, चाहे पाषाण काल का नाम लिया जाए, सिंधु घाटी सभ्यता का नाम लिया जाए, वैदिक सभ्यता का, आयरन एज का नाम लिया जाए, कॉपर एज का नाम लिया जाए, चालकोलिथिक एज का नाम लिया जाए, ये टाइम वाली जो तकलीफ है ये बिल्कुल आज के बाद आपकी खत्म हो जानी चाहिए। सो गाइज, मेक प्रॉपर नोट्स, मैंने पहले कहा था आज का लेक्चर थोड़ा शॉर्ट रखना है, कल जो क्लास होगी उसमें जो टॉपिक होगा दैट वी विल कंटिन्यू विथ, राइट। आई गेस अब मुझे याद नहीं आ रहा है कि टॉपिक क्या है, वो आप देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में। एंड येस, NCERT 101 पर जो हमारे आज की लेक्चर होगी वो बेसिकली मगध पे होगी। सो देखिए, अभी तक NCERT 101 पे मैंने एक बेसिक आउटव्यू दिया है आपको, इंडस वैली सिविलाइजेशन जितना नए वाले किताब में थी वो बता दिया है, फिर उसके बाद मैंने वैदिक सभ्यता के बारे में, उस पर बहुत कुछ है ही नहीं बेसिकली, ठीक है, कुछ है ही नहीं, लेकिन इस पर ज़रूर मैं एक दो वीडियो लेके आऊँगा। अब इसके बाद हम एक तरफ जनपदों में चले गए थे, साम्राज्यों में चले गए हैं, और एक तरफ वही नए धर्मों की बात होगी।
सो आज की जो एनसीईआरटी में हम क्लास शुरू होगी, एक रफ व्यू सा आपको, ओवरव्यू सा दो वीडियो में दिया है, दो तीन वीडियोस में, अब हम टॉपिक वाइज बढ़ेंगे। सो आज का जो एनसीईआरटी 101 पे हमारा टॉपिक होगा वो मगध होगा। हमने बस डिस्कस ये किया था कि मगध में बेसिकली क्यों फाइनली एक बहुत बड़े महाजनपद के रूप में इमर्ज हुआ था, लेकिन अब एम्पायर्स की जो हायरार्की है और उनसे जुड़ी हुई जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आज हमारा एनसीईआरटी 101 पे लेक्चर होगा। सो डू अटेंड दैट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स। सो गाइस सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, तब तक बताइएगा कि चीज़ें आपको कैसी लग रही हैं। सो स्टे सेफ, स्टडी वेल, टेक केयर एंड बाय।